वीडियो में बात करने वाले हैं गाइस यहां पे अक्षय कुमार की दो ऐसी मूवी आने वाली है जो कि यहां पे इंडियन सिनेमा में यहां पे इतिहास रचने का यहां पे दम रखती है गाइस, जिनमें से एक मूवी गाइस यहां पे हाउसफुल 5 जिसके रिलेटेड यहां पे बहुत बड़ी अपडेट यहां पे निकल कर आ चुकी है गाइस, और दूसरी मूवी गाइस यहां पे जॉली एलएलबी 3 जो कि मूवी यहां पे बहुत ही ज्यादा मच अवेटेड मूवी है गाइस, और इस मूवी से रिलेटेड भी यहां पे बहुत बड़ी यहां पे अपडेट निकल कर आ चुकी है। दोनों मूवीज का अपडेट जानने के लिए वीडियो को यहां पे शुरू से लेकर एंड तक देखना होगा, और चैनल पे नए तो चैनल को यहां पे सब्सक्राइब भी कर देना। पैसा ही पैसा होगा। तो गाइस बिना किसी देर के वीडियो करते हैं स्टार्ट। तो बात की जाए अक्षय कुमार के यहाँ पे मूवीज के बारे में, तो सबसे पहले बात करेंगे अक्षय कुमार के बारे में। तो भाई साहब अक्षय कुमार वो बॉलीवुड का एक्टर है जो कि यहाँ पे तीनों खान्स को यहाँ पे कंपटीशन देने का दम रखता है, जितना बड़ा सुपर स्टार है यहाँ पे अक्षय कुमार। लेकिन यहाँ पे पिछले साल अक्षय कुमार के यहाँ पे मूवीज यहाँ पे बॉक्स ऑफिस पे इतना ज्यादा यहाँ पे अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाई गई, लेकिन आने वाले मूवीज जो है अक्षय कुमार के वो डेफिनेटली यहाँ पे अक्षय कुमार बॉक्स ऑफिस पे यहाँ पे कम बैक भी कराएगी गई, और हिस्ट्री भी यहाँ पे क्रिएट करने वाली है। ऐसी मूवी यहाँ पे अक्षय कुमार के आने वाली है, उन्हीं में से एक मूवी गाइस यहाँ पे जॉली एलएलबी 3 जिसका यहाँ पे तीसरा पार्ट यहाँ पे आने वाला है गाइस, जिस मूवी में आपको यहाँ पे हर्षद वारसी और यहाँ पे अक्षय कुमार दिखाई देने वाले है गाइस। और कुछ मीडिया रिपोर्ट्स के माने तो हर्षद वारसी और अक्षय कुमार इस मूवी में एक मैक के अगेंस्ट होने वाले गाइस, यानी कि इस बार यहाँ पे बॉक्स ऑफिस पे यहाँ पे कुछ यहाँ पे बड़ा होने वाला है गाइस, क्योंकि यहाँ पे जॉली एलएलबी के जो दो पार्ट है गाइस वो शुरुआती वो लोगों को यहाँ पे बहुत ज्यादा पसंद है गाइस, और इंतजार है गाइस यहाँ पे अक्षय कुमार के यहाँ पे जॉली एलएलबी 3 का, जिसकी भी अनाउंसमेंट यहाँ पे बहुत जल्द होने वाली है गाइस। और कुछ मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो यह मूवी 2024 के मिड में आपको यहाँ पे फ्लोर पे जाती हुई दिखाई देगी। यहाँ पे जॉली एलएलबी 3 को यहाँ पे बॉलीवुड के जाने माने डायरेक्टर यानी कि सुभाष कपूर इस मूवी को यहाँ पे डायरेक्ट करने वाले गए, और खुशी की बात तो है कि इन्होंने यहाँ पे जॉली एलएलबी के दोनों पार्ट यहाँ पे डायरेक्ट किए गए, और वही यहाँ पे तीसरे पार्ट को भी यहाँ पे डायरेक्ट करने वाले गए। मैं तो बहुत ही ज्यादा एक्साइटमेंट होगा इस मूवी के लिए, क्योंकि भाई साहब इस मूवी में आपको हर्षद वारसी और अक्षय कुमार आपको एक फ्रेम में देखने को मिलने वाले गए, जिसके लिए मैं तो बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट। अपना ओपिनियन भी मुझे कमेंट करके बता देना कि आप जॉली एलएलबी 3 के लिए कितने ज्यादा एक्साइटमेंट हो। गाइस अक्षय कुमार की दूसरी मूवी यानी कि हाउसफुल 5 से भी यहाँ पे बहुत बड़ी यहाँ पे अपडेट निकल कर आ चुकी है गाइस, कहा जा रहा है कि इस मूवी में आपको यहाँ पे अक्षय कुमार के अलावा यहाँ पे अभिषेक बच्चन, रितेश देशमुख और बॉबी देओल और जॉन अब्राहम जैसे आपको यहाँ पे एक्टर्स आपको इसमें दिखाई देने वाले हैं। गाइस कुछ मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो हाउसफुल 5 यहाँ पे 2024 के स्टार्टिंग में नहीं तो मिड में आपको यहाँ पे फ्लोर पे जाती हुई दिखाई देने वाली है। गाइस यहाँ पे कुछ रिपोर्ट्स की माने तो यहाँ पे हाउसफुल 5 से यहाँ पे डायरेक्टर फराज सामजी को यहाँ पे निकाल दिया गया गाइस, उनकी पुरानी मूवी जो यहाँ पे बॉक्स ऑफिस पे अच्छा खासा यहाँ पे परफॉर्म नहीं कर पाई गई, उसी कारण यहाँ पे हाउसफुल 5 उसे यहाँ पे डायरेक्टर यहाँ पे फराज सामजी को यहाँ पे निकाल दिया गया है, और उनकी जगह आप कोई दूसरा डायरेक्टर यहाँ पे हाउसफुल 5 को यहाँ पे डायरेक्ट करने वाला है गाइस, ये तो बहुत बड़ी खुशखबरी है गाइस, क्योंकि फराज सामजी ने जो भी मूवी डायरेक्ट की है गाइस वो बॉक्स ऑफिस पे तो पीटी है गाइस, लेकिन यहाँ पे ऑडियंस को भी यहाँ पे जरा भी पसंद नहीं आई है। मैं तो हाउसफुल 5 के लिए यहाँ पे बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट हो गई, और अपना ओपिनियन भी मुझे कमेंट करके बता देना कि आप अक्षय कुमार के हाउसफुल 5 के लिए कितने ज्यादा एक्साइटमेंट हो। पैसा ही पैसा होगा। तो गाइस इसी के साथ वीडियो करते हैं, पहले अगर वीडियो जरा भी पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन ऑन कर देना, और अपना ओपिनियन मुझे कमेंट करके बता देना।